मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री अकेडमी। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ब्लैक ब्यूटी। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन वन पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग विच आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए अपनी ट्रेनिंग का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। माई मास्टर सेंट मी फॉर अ फोर्टनाइट टू ए नेवर फार्म। यहाँ पे डाक की कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक रात के लिए मेरे पड़ोसी मतलब कुछ रा एक रात में सो बोलता है कि एक रात मेरे मास्टर ने मुझे अपने पड़ोसी फार्मर के पास भेजा। हु हैड ए मीडो विच वॉज स्कर्टेड ऑन वन साइड बाय द रेल ट्रैक। स्कर्टेड मीन्स बॉर्डर्ड ऑन वन साइड, दैट मीन्स कि मीडो के एक साइड पे रेलवे ट्रैक था। By here were some sheep and cows and I was turned in among them. डार्की कहता है कि वहाँ पे कुछ गाय भेड़ और बकरियाँ सॉरी भेड़ और गाय थीं और मुझे भी उनके साथ रखा गया। I shall never forget the first train that ran by. और बोलता है कि मैं कभी भी आप वो पहली ट्रेन जो मेरे बगल से गुजर के गई उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। I was feeding quietly near the pails and before I knew whence it come, मतलब कि मैं डार्की बोलता है कि मैं चुपचाप अपना खाना खा रहा था और pails मतलब enclosures जहाँ पे उसके खाना खाने की जगह बनी हुई थी वो वहाँ पे खाना खा रहा था और वो उसे ये नहीं पता था कि ट्रेन कब आएगी। With a rush and clatter and puffing out of smoke, a long black train of something flew by and was gone almost before I could draw my breath. अब इसमें डार्की क्या बताता है, डार्की बताता है कि वो अपना खाना खा रहा था चुपचाप से, उसी टाइम पे एक लंबी काली ट्रेन जो है वहाँ से आती है खूब आवाज़ करते हुए, उसके ट्रेन से धुआं निकल रहा था और वो खूब ज़ोर से आवाज़ करते हुए आती है। इससे पहले कि वो अपनी सांस ले पाए आई टर्न एंड गैलॉप टू फर्दर साइड ऑफ द मीडो, और वो घूमता है और मीडो के दूसरे साइड पे बहुत तेज़ी से दौड़ लगा के भाग जाता है। एज फास्ट एज आई कुड गो एंड देर आई स्टूड स्नोटिंग विथ एस्ट्रोनिशमेंट एंड फियर। और वो वहाँ तक पहुँचता है, उससे पहले उसे बहुत डर लगता है, वो बहुत घबराया हुआ होता है, बहुत परेशान होता है। इन द कोर्स ऑफ डे मैनी अदर ट्रेन्स वेंट, और उस दिन मतलब वो पूरा दिन जब तक बीता वहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स क्रॉस की, मीन्स उस रेलवे ट्रैक से गई। आई थॉट इट वॉज ड्रेडफुल बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्विकली एंड हार्डली रेज देयर हेड्स एंड ब्लैक फ्राइटफुल थिंग कम पफिंग एंड ग्राइंडिंग पास्ट। और क्या होता है कि दिन भर में कई सारी ट्रेन वहाँ से जाती हैं और डार्की जो होता है वो बहुत डर जाता है उसकी आवाज़ से और उसके भयानक लुक से, लेकिन काउज जो होती हैं, जो गाय होती हैं वहाँ पे फार्म पे, वो मतलब अपना खाना बहुत आराम से खाते रहती हैं और शायद ही कभी सर उठा के वो ब्लैक फ्राइटफुल थिंग यानी कि वो काली डरावनी चीज़ को देखती हैं जो कि पफिंग और ग्राइंडिंग करते हुए पास होती है, मीन्स कि शोर करते हुए और बहुत तरह मीन्स जो उसकी आवाज़ होती है पटरियों पे जब ट्रेन चलती तो जो आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ को मेंशन किया है यहाँ पे कि उस तरह की आवाज़ सुन के वो कुछ गाय जो होती हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं और अपना खाना खाती रहती हैं, शायद ही कभी वो अपना सर उठा के देखती हैं। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़ आई कुड नॉट फीड इन पीस, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में वो आराम से खाना भी नहीं खा पाता था। बट एज़ आई फाउंड इट दैट दिस टेरेबल क्रिएचर नेवर कम इनटू द फील्ड, और जब भी उसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो अजीब सा जानवर है ये फील्ड
में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, और डिड मी एनी हार्म, और ना तो फील्ड में आता है ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है। आई बिगिन टू डिसरिगार्ड इट, तो वो डार्की जो है उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। सून आई केयर्ड एज लिटिल अबाउट द पासिंग ऑफ ट्रेन एज द काउज एंड शिप डिड, तो कुछ ही दिनों बाद जल्द ही मतलब ऐसा हो जाता है कि डार्की भी उन काउज की तरह बिहेव करने लगता है जब ट्रेन पास होती है, वो हार्डली नोटिस करता है और वो मीन्स पीसफुली रहने लगता है। सिंस देन आई हैव सीन मेनी हॉर्सेज मच अलार्म्ड एंड रिस्ट्राइव एट साइट और साउंड ऑफ स्टीम इंजन, बट थैंक्स टू माई गुड मास्टर्स केयर आई एम फियरलेस एट रेलवे स्टेशन एज इन माई ओन स्टेबल। तो वो बोलता है कि मैंने देखा है कि बहुत से घोड़े होते हैं जो इस तरह की आवाज़ देख सुन करके मतलब परेशान हो जाते हैं या कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, मतलब घोड़े होते हैं जो अगर उनके पास कुछ ऐसी आवाज़ जिससे वो अननोन है अगर वो करेंगे तो वो भागने लगते हैं, कूदने लगते हैं, लात मारते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है डार्की नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो थैंकफुल है अपने मास्टर को कि उसके मास्टर ने उसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे वो ट्रेन का ट्रैक था और वो उसको देख करके ये समझ पाया कि ये ट्रेन मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसके आने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लास्टली डार्की मेंशन करता है आई एम एज फियरलेस एज रेलवे स्टेशन एज इन माय ओन स्टेबल, और कहता है मैं इतना फेयरलेस हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन हमारे स्टेबल में ही है। मीन्स डार्की को फील होता है कि उसका स्टेबल भी खुद एक अपने आप में एक रेलवे स्टेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, we have completed the chapter and in next video we will discuss the exercise. Thank you and have a good day.